दोस्तों राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्ना डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से जो कि आज NDRI में हम पहुंचे हैं, तो यहां पर एक राष्ट्रीय डेयरी मेला लगा हुआ है और वहां पर ही हमें एक ऐसी चीज देखने को मिली है जो कि रिपीट ब्रीडिंग और मस्टाइटिस, तो दोनों आप पीछे देख सकते हैं। इनको लेकर ये यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, उनके स्टूडेंट मौजूद है, तो फार्मर इसको डायरेक्टली इंजेक्टेबल दे सकता है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट फार्मर के ऊपर नहीं पड़ेगी, कोई एंटीबायोटिक नहीं देना है, क्योंकि मस्टाइटिस एक ऐसी समस्या, अगर एक बार फार्मर के घर में आ गई तो फार्मर का पशु जिससे दूध से चला जाता है खत्म हो जाता है, और वैसा ही रिपीट ब्रीडिंग का केस है। तो इसकी पूरी डिटेल हम इनके स्टूडेंट यहाँ पर हैं जिन्होंने ये इंजेक्टेबल बनाया डॉक्टर साहब के, तो पूरी डिटेल में उनसे बात करेंगे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम दीक्षा है, मैं डॉक्टर मलाकर की स्टूडेंट हूँ। जी, हम लोगों ने स्टेम सेल पे रिसर्च किया है, क्योंकि स्टेम सेल की एक रिन्यूअल प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप डिफरेंशिएट करते हैं और रिपीट करते हैं। जी, इसलिए हमने मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स लिए हैं। हमने अम्बिकल कॉर्ड से पहले एक्सट्रैक्ट किया है, जो कि गर्भ नाल होती है। जी, उसके ब्लड से हमने सेल्स लिए हैं, उनको हमने कल्चर किया अपनी लैब के अंदर, और उसके बाद उसका एक इंजेक्शन बनाया है। उस इंजेक्शन को हम उसके थन में देते हैं, एक हम उसके थन में देंगे और एक जो होता है जुगलर वेन, वहाँ पे जुगलर वेन में देंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें सिर्फ 1 ml इंजेक्शन ही देना होता है, इससे ज्यादा नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो था मेस्टाइटिस की वजह से जो मिल्क था वो येलो आना शुरू हो गया था। उसके बाद हमने जब इंजेक्शन दिया, 30 दिन के अंदर धीरे धीरे ये इसका कलर चेंज होना शुरू, 1 महीने के पीरियड में ये यहाँ से आप देख सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4, 5 और यहाँ पर 6th नंबर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि थनेला होने से पहले, मस्टाइटिस होने से पहले जो जिस तरीके का दूध था बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर मिल्क हो गया है। हाँ। जी, और दूसरा हम जो है इस इंजेक्शन से मेट्राइटिस भी ठीक कर सकते हैं। जी, जो होता है रिपीटेटिव ब्लीडिंग होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, ठीक है, उसको भी हमने इसी इंजेक्शन से ट्रीट किया है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 30 दिन के क्योर के बाद ये हमारा एनिमल जो है बर्थ दे रहा है, प्रेग्नेंट हुआ और उसने हेल्दी बर्थ दिया। जी जी, यानी कि एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, हम इसको यहाँ पर एक नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं। तो ये फार्मर के लिए अवेलेबल कैसे होगा? अभी तो ये कमर्शलाइज नहीं हुआ, तो आप NDRI से डॉक्टर ध्रुवा मलाकार से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। जी, तो उनका मोबाइल नंबर आप शेयर करें, मोबाइल नंबर आप संस्थान का नंबर हो, या डॉक्टर साहब से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो प्रतिक्रिया बताएं। वो नंबर अब सर आप एक बार अपना नंबर दे, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट है तो इनको थोड़ा पता नहीं, इसलिए आपको देख कर बताएंगे, तो बताएं नंबर। 9416 जी 741839 डॉक्टर ध्रुवा मलाकार, एबी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, NDRI। डॉक्टर साहब साउथ से है? बंगाल से। तो डॉक्टर साहब बंगाल से हैं, तो उनका नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, और जो ये इनके स्टूडेंट है तो उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस हमें एक ऐसे डिजीज के बारे में करवाया, रिपीट ब्रीडिंग और मस्टाइटिस बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम में बनी हुई है। तो डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, और अगर आप ये इंजेक्टेबल जो लेना चाहें, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कमर्शलाइज अभी फार्मर के लिए अवेलेबल मार्केट में नहीं हुआ है, तो डॉक्टर साहब से आप उन्हें खरीद सकते हैं। तो मैं उनके स्टूडेंट का और डॉक्टर साहब ने जिन्होंने इतना अच्छा इंजेक्टेबल तैयार किया, बार बार धन्यवाद करता हूँ चैनल के माध्यम से, और सभी देखने वालों से कहूँगा कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें।